अस्सलाम वालेकुम राबिया इस किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी दिल पसंद पुडिंग, मैंगो पुडिंग बनाने जा रहे हैं। और ये तीन मैंगो हमने ले लिए हैं, इसकी हाँ दो मैंगो की हम क्यूरी बना लेंगे और एक मैंगो की हम चॉप करके गार्निशिंग के लिए रख देंगे। और ये ड्राई कोकोनट है, ये बादाम है और ये बलाई है, फ्रेश बलाई है और ये शुगर है। ये कॉर्न फ्लावर है, हम इसकी पुडिंग बनाने में इस्तेमाल करेंगे। ये दो टेबल स्पून है, हमने दूध में मिला के घोल लिया इसे। ये देखिए जी, हमने एक लीटर फुल क्रीम वाला हमने मिल्क ले लिया है। अब हमने इसे चढ़ा दिया था चूल्हे पे, ये बॉईल हो गया है, ये अभी हाफ हो गया है, एकदम थिक हो गया है हमारा मिल्क। अभी हम इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून कॉर्न फ्लावर का, हमने बना के जो ढका हुआ था ये डाल देंगे और उसको चलाएंगे। ये झटपट सा बनने वाला है ना, आपको इसमें कोई चीज़ नहीं है बनाने की। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, आप कॉर्न फ्लावर से भी बना सकते हैं। ये हमने एक बाउल शुगर ले लिए, आप अपने मीठे के हिसाब से रखिएगा। हमने एक प्याला ले लिए, इसे अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। ये हमने शक्कर डाल दी, अब हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे कि टाइट हो जाए, ये टाइट फॉर्म में हो जाए कि हमारी पुडिंग के लायक हो जाए। अभी हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। बस इसे लो फ्लेम पे चलाते रहेंगे कि ये गाढ़ा हो जाए, कि उस कंसिस्टेंसी उसमें हो जाए, कि लायक हो जाए कि जैसे पुटिंग होती है गाढ़ी सी, इस तरीके से। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मैंगो की तरफ। ये हमने तीन मैंगो ले लिए, ये दो मैंगो की हम क्यूरी बना लेंगे, एक मैंगो हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। अभी ये हम इसकी क्यूरी बनानी है, इसे बस हम काट के लैदा करेंगे छिलके और हम इसकी। ये देखिए जी, हमने मैंगो प्यूरी बना ली अपनी, ये भी छिल हो गए। अभी हम इसमें मैंगो प्यूरी डाल के मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखें, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे मैंगो प्यूरी को। ये देखें कितना अच्छा लुक आ रहा है। ये भी हम आस्ते आस्ते करके इसमें मिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके हम मैंगो क्यूरी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ना आपको कस्टर्ड बनाने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, बहुत आसानी से बन जाता है। ये भी हम क्यूरी डाल देंगे, फिर हम मिक्स करेंगे। ये देखिए जी, ये हमने केक ले लिया है, इसकी हम लेयर लगा देंगे। आप अपनी पसंद से कोई भी बिस्किट वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। इस तरह से लेयर लगा देंगे किनारों में तक केक की। ये सब हो गया, अब हम इसके ऊपर डालेंगे या अपनी पिंग डालेंगे। हम एक लेयर हम लगाएंगे इसकी। ये देखिए, हम सब क्यूरी डाल दिए ऊपर। अभी हम थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ऊपर, ये पिस्ते डाल देंगे, बादाम। और ये नारियल का बुरादा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये लाजिम डालिएगा। अभी एक लेयर और लगा देंगे हम।
ये हमने स्मॉल ट्रे ली थी, ये हमारा पूरा नहीं हो रहा था, ये तो हमने बड़ी ट्रे में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये गार्निशिंग बच गई है, ये हम कर लेंगे ऊपर से। ये बादाम है, ये हम बादाम की गार्निशिंग कर रहे हैं। अब हम इसके ऊपर ये नारियल का बुरादा डाल देंगे, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसमें ज़रूर डालिएगा आप लोग। अभी ये मैंगो क्यूब्स ऊपर से डाल देंगे। ये फ्रेश बलाई है, फ्रेश क्रीम है, ये थोड़ी सी हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। देखने में भी इतनी अच्छी लगती है, खाने में तो लाजवाब है। ये आप ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा, आपके बच्चे तो खुश हो जाएंगे माशाल्लाह, ये खा के बोलेंगे बार बार बनाए। सेट हो गई है, हमने सब कर दिया है। अभी हम इसे इस तरह से नहीं खाया जाएगा, ये जब तक चिल नहीं होगा इसे फ्रिज में घंटे के लिए हम रखेंगे, फिर हम आखिरी में हम फिनिशिंग लुक आपको दिखाएंगे कैसी बनी है, मिलते हैं घंटे के बाद। ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारी मैंगो पुडिंग बन के तैयार हो गई है। माशाल्लाह इसका लुक देखें कितना प्यारा है। अभी मैं इसको डिश आउट करके बताती हूँ। ये देखिए इसकी लुक देखिए, वन बाइट इसकी लेके दिखाती हूँ, खा के टेस्ट करके बताती हूँ कैसी बनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, एकदम लाजवाब। आप ज़रूर बनाइएगा अपने घर पे। मेरी ये मैंगो की पुडिंग की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। यार आप लोग बेल मेरा चैनल लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, आपका तो कुछ नहीं जाता है, हमारा आप कर देते तो हमारा दिल खुश हो जाता है। लाइक कर दिया करें यार, और शेयर भी कर दिया करें दोस्तों में फैमिली में। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अपना, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।